हेलो स्टूडेंट्स वेरी वॉम वेलकम टू इंफिनिटी लर्न नीड बाय श्री चैतन्य फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर के जो आपको चार मार्क्स फॉर श्योर दे करके जाएगा तो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तो उसमें प्रोटिस्टा में स्पेसिफिकली एक टॉपिक मैंशन किया हुआ है नाम है डायटम्स नाम सुनने में जितना पेचीदा लगता है उतना पेचीदा है नहीं है बहुत ही आसान और हर साल इसे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है तो डायटम्स के बारे में ज़रा डिटेल में हम समझ लेते हैं कि क्या होते हैं डायटम्स क्या ये चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशन के क्या ये किसी वाइट पाउडर को प्रोड्यूस करते हैं जिसके फंक्शन बहुत ही अनेक प्रकार के हैं जैसे कि साउंड प्रूफ रूम बनाना जैसे कि फ़िल्ट्रेशन करना ऑयल्स का सिरप्स का तो समझते हैं डिटेल में कि डायटम्स होते क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायटम्स आपके बिलोंग करते हैं क्राइसोफाइट्स ग्रुप से क्राइसोफाइट्स के अंदर आपके दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं नंबर वन इज़ योर डायटम्स एंड नंबर टू इज़ योर डेस्मिट्स डेस्मिट्स आपकी गोल्डन एलगी भी होती है डायटम्स ही आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है एंड डायटम्स पे बेस ही आपके क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम डायटम पे फोकस होकर के आगे पढ़ने वाले हैं तो डायटम्स जो है आपके अगर हम इसकी हैबिटाट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में रहना पसंद करता है या मरीन एन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है बट ये बेसिकली एक्वेटिक है ऑर्गेनिज्म तो पानी में ही हमें देखने को मिलेगा अगर हम मेन बॉडी ऑफ डायटम की बात करें तो ये पूरी जो कंप्लीट सेल है बॉडी सेल इसको हम फ्रेस्ट्यूल कहते हैं सो so, देखिए जो सेल है फ्रेस्ट्यूल वो कुछ इस प्रकार की आपको दिखेगी लेकिन मजे की बात इसमें ये है कि जो डायटम्स है उसमें जो सेल वॉल है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है और जो ये थिन ओवरलैपिंग शेल्स है ये आपस में परफेक्टली फिट होती है जैसे कि पैटरी प्लेट जैसे कि आपके सॉप बॉक्स बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में आप सबने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया होगा इन अ पैटरी प्लेट जिसमें कि आप न्यूट्रन सॉल्यूशन डालते हैं तो जो पैटरी प्लेट है उसमें आप देखना नीचे वाली पैटरी प्लेट के जस्ट ऊपर ऊपर वाली पैटरी प्लेट परफेक्टली फिट हो जाती है तो एग्जैक्टली exactly ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा आपका डायटम्स का जिसमें जो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स है वो परफेक्टली फिट हो जाती है इन टू ईच अदर जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स और अ पैटरी प्लेट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो सेंटर में न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंड सो बेसिकली दिस इज योर अपर लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज एपिथीका दिस इज योर लोअर लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज हाइपोथीका तो जो अपर वाली सेल है इसको बच्चों हम कहते हैं एपीथिका एंड जो ये लोअर वाली है इसको हम कहते हैं हाइपोथीका एंड इसके एग्जैक्टली exactly सेंटर में अगर हम देखें तो सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस आपका सस्पेंडेड होता है और

जो सेल वॉल है वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट इज मेड अप ऑफ सिलिका शेल्स और जो सिलिका प्रेजेंट है यहां पे ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है विच मीनस की ओवर द बिलियन ऑफ से एक्यूमुलेट होती चली जाती है सी बैड में ओवर द एक्यूमुलेशन जो सी बैड में आपकी सिलिका की शेल्स एक्यूमुलेट हो चुकी है उसको हम बोलते हैं डाइट अर्थ सो ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज रेफर टू एस डायटोमेश ये काम की चीज है आंसर इज यस अगर हम इस डायटमेशियस अर्थ की माइनिंग करते हैं तो हमें ये व्हाइटिश पाउडर देखने को मिलता है जिसको हम डाइटमाइट या केसल गुड कहते हैं ये जो व्हाइटिश पाउडर आप देख पा रहे हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे क्या क्या फंक्शन कर पाता है तो इसका नेचर जो है वो ग्रिटी है नेचर इसकी वजह से ये पॉलिशिंग में हेल्प करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में हेल्प करता है शुगर में काम में आता है इंसुलेटिंग मटेरियल के जैसे रेफ्रिजरेटर्स में बॉयलर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स साउंड प्रूफ रूम बनाने में ये इस्तेमाल होता है तो जो ये केसल गुड है जो माइनिंग के बाद में हमें मिला है जो व्हाइटिश पाउडर है उसके अनेक फंक्शन है जो कि आप देख पा रहे हैं

है. अब उसको रीगेन करने के लिए क्या किया जाए तो क्सुअल रिप्रोडक्शन डायटम अपने को रीगेन तभी कर सकता है जब वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करने जा रहा है एंड ऑग्जोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है राइट सो right? so, ये था आपके डायटम्स के बारे में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड चार नंबर आपको जरूर दे करके जाता है एक क्वेश्चन सोल्व कराती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई है ऑप्शन नंबर डी कहता है डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली परफेक्टली करेक्ट लाइन ऑफ एनसीआरटी है नंबर टू डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन परफेक्टली करेक्ट है नंबर बी डायट मेशर्स अर्थ इज फॉर्म

कि आपको कितना समझ में आया है टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें डालना है कमेंट सेक्शन में सेशन uh, कैसा लगा मुझे जरूर बताना अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर आप नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेकन को हिट करें मिलते हैं